नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सीओटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी आप सभी को पता है, हम लोगों ने अनाउंस किया हुआ था कि हम लोग एक कट ऑफ सीरीज फॉलो करेंगे 100K for 100 वीडियो, यानी आपके लिए हर एक यूनिवर्सिटी का हर एक कोर्स का कट ऑफ लेकर आएंगे। और आपको ध्यान देना है कि चैनल पर आप नए हो तो आपको 100K ले जाना है, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोग को इस सेशन में 30K कम्प्लीट करना है। हाँ, लेकिन आप आसानी सब्सक्राइब मत करना, हम आपके लिए जब वर्क करेंगे तब आप करना। जैसे कि आज बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप एग्रीकल्चर पे वीडियो नहीं ला रहे हो, सो फाइनली आज हम लोग पहली बार समझ लो कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के साथ, आप देख रहे हो कि लास्ट ईयर का कट ऑफ है, और इस लास्ट ईयर के कट ऑफ के साथ हम लोग आपको 2023 का कट ऑफ आज बताने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। आप सभी को पता है कि BHU BSc एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल कोर्स है, बहुत प्रीसियस है भाई। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, समझ लो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसमें सीटें भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको मैं बता दूँ कि जब BHU अपना खुद एडमिशन लिया करता था, मतलब BHU जो अपना खुद पेपर करता था, अब तो CUET हो गया है, तो उस समय BHU में सबसे ज़्यादा अगर फॉर्म भरा जाता था तो इस एग्रीकल्चर में पता है कितना, लगभग 70,000, कभी कभी 75,000 गया है। मतलब एक सीट पे जो लड़ाई है, मैंने खुद वीडियो बनाया था, एक सीट के लिए लगभग 400 लोग की लड़ाई हुआ करती थी, समझ रहे हो, 400 साढ़े 400, एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाता अपने आप में। तो ये समझ लो कि एग्रीकल्चर का क्रेज घटा नहीं है, क्योंकि भाई हमारे देश की डिमांड एक तरह से एग्री में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और BHU से एग्रीकल्चर करना अपने आप में बड़ी बात भी है, प्लेसमेंट भी हो जाता है। बहरहाल आपको सीधे ले चलते हैं कट ऑफ पे। तो ये लास्ट कट ऑफ देखो है, जनरल का 505, OBC का 472, EWS का 479, SC का 396 और ST का 351, ये आपका लास्ट ईयर का रहा। अब इस बार का जानने से पहले हम लोग इसका मार्किंग स्कीम देख लेते हैं पहले, कि इस बार का कितना मार्क्स का पेपर है। आपका S2 इन्वॉल्व हुआ था टू डोमेन के साथ, समझ रहे हो ना, टू डोमेन के साथ आपका पेपर इन्वॉल्व हुआ था यहाँ पे। तो एक डोमेन जो है 200, सेकेंड डोमेन 200, एंड आपने एक GT दिया होगा जो कि हो गया 250 का, टोटल हो गया 650 का, यानी 650 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम हुआ था। इसी 650 मार्क्स पे लास्ट टाइम भी हुआ था आपका, बस जो GT था वो 60 क्वेश्चन का हुआ करता था, समझ रहे हो ना, मतलब लास्ट टाइम बस ये GT जो था वो 60 क्वेश्चन का हुआ करता था, बाकी सब एज इट इज है। अब हम लोग आते हैं इस ईयर के कट ऑफ पे। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मेरे जो कट ऑफ हैं लास्ट ईयर से अप हैं, जबकि मार्किंग पहले से कम हुई है, मतलब इस बार 650 मार्क्स का है, फिर भी मैंने ज़्यादा किया हुआ है, क्योंकि इस बार रजिस्ट्रेशन के ज़्यादा आने की संभावना है, समझ रहे हो, रजिस्ट्रेशन का ज़्यादा आने की संभावना है, और कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं उनका डेडिकेशन आए दिन बढ़ रहा है। भाई लास्ट ईयर जो CUET का फॉर्म था वो इस बार से कम था। इस बार पता है, इस बार हमारे यहाँ टोटल 1499 का पेमेंट हुआ है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 49 का लाख, यानी 1490,000 का बस पेमेंट हुआ है, मतलब इतने बच्चे जो हैं वो फॉर्म डाले हैं। हाँ, इसमें से पूरे बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, इन सभी डेटा की बेसिस पे मैंने कहीं ना कहीं जो आपका सेफ जोन बनाया हुआ है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, जो सेफ जोन बनाया हुआ है वो मैंने ऑलमोस्ट बढ़ा के बनाया है, जिससे आप कम से कम चिंता मुक्त हो जाओ कि हाँ एडमिशन होगा ही होगा। तो जनरल के लिए लगभग 520, OBC के लिए 480, SC के लिए 390, ST के लिए 340, ठीक है। और अगर हम लोग EWS की बात करें तो कुछ इसी बीच में आप EWS को रख लेना, मतलब 490 के आसपास रख लेना EWS के लिए भी। सो फाइनली इससे 20-30 नंबर कम होने पे एक बार उम्मीद बन सकता है, लेकिन हाँ इससे ज़्यादा अगर रहता है तो आप एकदम 100% अपना एडमिशन श्योर मान सकते हो, कहने का सेंस ये है। सो फाइनली इसीलिए मैंने आपको एक ऐसी वैल्यू दी है जिससे आप कम से कम इतना तो जज कर ही सको कि हाँ आपको इस बार BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। मतलब मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको एक ऐसी वैल्यू बता सकूं जिससे आपके एडमिशन की श्योरिटी लगभग 100% मिल सके। बाय द वे ये तो अनऑफिशियल है, ऑफिशियल आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग अभी इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। हाँ, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इसको एकदम सत्य ना माने, इसमें से जैसे ST वालों का और भी कम हो सकता है, समझ रहे हो, OBC का कभी ज़्यादा जा सकता है, EWS का भी कम हो सकता है, ये डिपेंड करता है ना कि रिजर्वेशन में कितना फॉर्म आ रहा है। जैसे EWS अनसर्टेन है, कभी कभी बच्चे EWS भरना भूल जाते हैं जबकि सर्टिफिकेट होता है, तो EWS जो है वो अप डाउन हो सकता है। जनरल देखो थोड़ा सा हाई रहेगा, OBC हाई रहेगा, ST SC और EWS चूंकि रिजर्वेशन वाली बात आ जाती है तो उनका अप डाउन होने की उम्मीद रहती है, समझ रहे हो, ये ST SC और EWS का।
सो फाइनली आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि फाइनली आपका कितना मार्क्स आ रहा है, और जैसे ही ऑफिशियल कट ऑफ आना शुरू होगा आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो लास्ट ईयर हमने ही बस चैनल पर दिया था, ये कट ऑफ बस मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। जब हमने वीडियो बना दिया उसके बाद मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियोज मिला होगा, फिर उन लोगों ने कट ऑफ बनाया होगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मुस्कुराते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, ऑल द बेस्ट।